सो हाय गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल मैं हूं आपके दोस्त सर्शिता और अब जितने भी पहले वाले वीडियोस थे कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ जो पिछले साल का था 2023 का जो कि हमारा पेंडिंग था क्योंकि मैंने अभी तक इसका रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं लगा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था तो जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया है और अब सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि बनाने की तो फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजी तो बायो आज हम कवर करेंगे एंड आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट होता है और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कुछ हाईफाई नहीं होता है हम बेसिक चीज़ें ही नहीं पढ़ते हैं बहुत डीप चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको ये पेपर देख के आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का लेवल हमारा एग्जाम का रहता है सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट दैट इज इज ऑप्शन नंबर सी 196 डिग्री सेल्सियस सेकंड है बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इट इज मेनाक कैपेसिटेशन क्या होता है मेनोपॉज क्या होता है ऑब्वियसली बहुत बेसिक टर्म्स है लेकिन इन सबको भी देख लेना और क्या इनको हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस रहता है वो भी देख लेना नेक्स्ट इज बर्थ रेट इज कॉल्ड ऑबियसली नटालिटी रेट होता है मोर्टैलिटी जो होता है वो डेथ डेथ रेट होता है एंड इमिग्रेशन और इमीग्रेशन uh, और इमीग्रेशन दो टर्म्स हैं इनका भी डेफिनेशन देख लेना हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन uh, से बन जाए नेक्स्ट इज सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डी एन ए इज कॉल्ड तो सेल्फ डुप्लीकेशन क्या होता है रेप्लीकेशन हमारा प्रोसेस होता है नियोजेनिस uh, क्या है ट्रांसक्रिप्शन क्या है टेमिनिज्म क्या है ये तीनों टर्म्स भी देख लेना साथ में जो ऑप्शन में बाकी के टर्म्स है उनको भी देख लेना ले इसके साथ साथ क्या होगा आपका क्वेश्चन पेपर तो रिवाइज हो जाएगा पर बाकी के टॉपिक्स भी सारी साइड वाइज जो है वो क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट इज थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इज नोन एज बायो पायरेसी क्वारंटाइन क्या है प्रोडेशन और बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये बेसिक टर्म्स भी चेक कर लेना एक बार नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन तो इसका आंसर है डेसिबल जो डेसिबल यूनिट होता है उसमें हम नॉइज पोल्यूशन को मेजर करते हैं डिशन इज हिट्रोजाइगस ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन जो है वो हिटरोजाइगस है ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है ठीक है रूट फंगल एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजे पैरासाइटिज्म क्या है मैं क्या है और लाइक क्या होते हैं ये आपको देखना है और ये uh, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा बट ये पॉल्यूशन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं कि जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता वहाँ ये ग्रो करते हैं आई थिंक कुछ ऐसा चीज भी थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है आप एक बार चेक कर लेना एनसीआर में ही ये दिया हुआ है कन्फर्मेटर टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज ऑब्वियसली इट्स अ विडाल टेस्ट पॉलिनेशन थ्रू एयर इज कॉल्ड इट इज एनिमोफिलिक अब हाइड्रोफिले क्या है एंटेमोफिले क्या है और मलैकोफेली क्या है ये सारी टर्म्स भी एक बार चेक कर लेना नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो हमारे पास रहता है 1.0 और इसके अलावा इसमें हमारे पास फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी पूछते हैं और प्रोटीन का भी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछते हैं तो फैट का हमारे पास होता है 0.7 पॉइंट एंड प्रोटीन का होता है जीरो तो ये भी कर लेना और ये शायद जिन बच्चों को मेरे नोट्स मिलेंगे उनमें उनको ये भी चीज़ें भी मिल जाएंगी और एनसीआरटी में ये दिया हुआ अगर नोट्स नहीं भी होंगे तो तब भी आप इसको आराम से कर सकते हो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय इट वॉज गिवन बाय द Linious. और रॉबर्ट हम क्या किया था वो सब चीजें भी देख लेना बिकॉज साइड आप ये सब चीजें कर लोगे तो आपके लिए प्लांट्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर इजलम लार्जेस्ट क्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इज डैश प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है फिर केमिकल प्रोसेस तो इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस ठीक है एक में होता है ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी और एक में होता है एसोसिएशन ऑफ़ एनर्जी तो ये uh, हमारी प्रोसेसिस इस तरह से रहती हैं उसके बाद है विच ब्लड वेसल हैव स्मॉलेस्ट डायामीटर सो द आंसर इज कैपिलरीज नेक्स्ट इज़ एंजाइना डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू एंजाइना इज रिलेटेड टू हार्ट ठीक है तो एंजाइना जो है वो हार्ट डिजीज रिलेटेड होता है उसके बाद है हैंडलेज लूप इज प्रेजेंट इन ऑबियसली इट्स प्रेजेंट इन दी किडनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटल हंड्रेड एंड सिक्स बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है द मिडल पीस ऑफ स्पर्म पोजेस इट्स माइटोकॉन्ड्रिया तो ये जो स्पर्म का जो थ्री रीजन रहता है हेड बॉडी एंड टेल उनमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और क्या उनका रोल होता है वो सब चीज़ें भी देख लेना बिकॉज साथ साइडवाइज अगर कर लोगे तो ज़्यादा इजिली चीजें हो जाएंगी नेक्स्ट इज मेंटल Conducted experiment on which plant? Obviously, it was a pea. Energy transform from one tropic level to another is 10% Guys, ye bahut hi basic questions hain aur मैंने इतने साल पहले पढ़े हैं तो मुझे अभी भी कुछ कुछ चीजें याद हैं तो आपको तो ये काफी ज़्यादा easy लग रहा होगा. Fusion of the haploid nucleus of the sperm and the ova forms zygote. स्टार्टिंग कोडोन इज ए यूजी ए यूजी स्टार्टिंग कोडोन होता है हमारे थ्री हमारे स्टॉप कडोन्स होते हैं जो है उनको भी एक बार आप देख लेना द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कम्पलीटेड इन टू थाउजेंड एंड थ्री ठीक है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और भी काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कब स्टार्ट हुआ कब कंप्लीट हुआ क्या इसका पर्पज था तो वो सब चीजें आप एक साथ इसमें देख लेना विच वन इज नॉट अ मेमल ऑफकोर्स फ्रॉग इज नॉट अ मेमल इट्स एन एम्फीबियन ठीक है तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं इतना ज्यादा कुछ नहीं है उसके बाद है कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली इट्स कॉज्ड बाय वायरस एंड द वायरस विच कॉज इज कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरस तो ये आपसे नाम भी पूछा जा सकता है एड्स इज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली इट्स अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय एच आई वी एच आई वी जो है हमारे वायरस का नाम है एंड द एच आई वी जो कंडीशन क्रिएट करता है दैट इज एड्स ओके फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेगजेंडर फ्लेमिंग अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था हॉवर्ड फ्लोरे ने क्या किया था ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए वो का हमारे पास फिजिक्स में भी रोला है दैट वॉज फॉर हुक्स लॉ हुक्स लॉ आपने सुना होगा ठीक है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी तो वो हमारा रॉबर्ट हुक ने दिया था अगर मैं हॉर्वर्ड फ्लोरे की बात करूं तो आ, जो ये वाला क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाला इसमें एलेक्जेंडर और हॉवर्ड फ्लोरे में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं बट जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही करी थी हॉवर्ड फ्लोरी ने क्या किया था हॉवर्ड फ्लोरी ने इसमें इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे जिसकी वजह से जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हुआ था वो लार्ज क्वान्टिटी में हुआ था तो बेसिकली इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स वर डन बाय हॉवर्ड फ्लोरी विच लेड टू द टीम दैट फर्स्ट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन हुआ था और वो किया गया था हॉवर्ड फ्लोरी के थ्रू विद हिज टीम एट्स नेक्स्ट इज बीटी टॉक्सिड इज प्रोड्यूस बाई अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेसिलस थेनेसिस ठीक है अब नेक्स्ट देखो जो ऑप्शन इसमें है दैट इज़ बैक्टीरिया ट्यूमिफेशियंस इसका क्या रोल है ये देखो बहुत ही बेसिक ये चीज़ है तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया ट्यूमिफेशियंस होता है दैट इज़ एग्रो बैक्टीरियम आपने पढ़ा होगा एग्रो बैक्टीरियम जो होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है एंड बेसिकली ये क्या करता है प्लांट ट्यूमर कॉज करता है आपने पढ़ा होगा जो वो हार्मोनल प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है उसमें ये चीज़ दी गई है तो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस क्या कॉज करता है प्लांट ट्यूमर कॉज करता है और इसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया जो नाम पूरा स्पीशी जो रहती है दैट इज़ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस तो ये पूरा उसमें कंप्लीट आएगा ठीक है और ये प्लांट ट्यूमर कॉज करता है और जो प्लांट ट्यूमरस को जो मुझे याद आ रहा है जो ये प्लांट ट्यूमर कॉज करता है वो उस डिजीज़ का जो नाम है दैट इज़ क्राउन गोल्ड डिजीज क्राउन गोल्ड डिजीज भी इसको कहते हैं आप एक बार चेक कर लेना हो सकता है कि मैं गलत भी हूं लेकिन एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना नेक्स्ट इज नॉर्मल इज गिवन बाय इट वाज गिवन बाय लीनियस अब जैसे हम हमने अभी पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट किंग वन किंगडम क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वैसे वन से लेकर फाइव तक अलग अलग साइंटिस्ट हमारे पास रहे हैं ठीक है फाइव किंगडम तो आर एच वी टेकर ने किया था टू किंगडम मैंने आपको बता दिया तो ये ध्यान में रखने है कि पांचों में कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे पास थे उन सबका नाम भी आप एक बार याद कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज फेज ऑफ फंगाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस पर सेल विच इज नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन इन प्रोटोजो ऑब्वियसली जो सेटे होते हैं दे आर नॉट दी लोकोमोटरी ऑर्गन जो सेटे होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन किसका होता है दैट इज अर्थ वर्म्स सीटे होते हैं वो लोकमोचे ऑर्गन होते हैं अर्थवर्म्स के और प्रोटोजोआ में तो सीलिया सूडोपोडिया ये तीनों ही हमारे पास ऑर्गन रहते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप देख लेना जैसे पैरामिशियम है और एक और है मुझे एग्जैक्टली याद रहा तो वो दो तीन एग्जाम्पल्स आप देख लेना बैक्टीरिया आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा ऑब्वियसली मोनेरा किंगडम में यही बैक्टीरियाज आते हैं प्रोटिस्टा प्रोटिस्टामिले फंगाई में क्या क्या आएगा वो भी चेक कर लेना और एग्जाम्पल्स भी साथ में देख लेना Which one is known as the amphibian of the plant kingdom? Obviously, bryophytes are known as the uh, amphibians of the plant kingdom. In flowers, floral formula A stands for? It stands for endotium. A floral formula, we have 4 things, that is K, C, A and G.

सो so, पे हमारा जो है वो बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल का एग्जाम रहता है बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक चीजें ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है यस गाइस वी हैव डन विद बायोलॉजी और आपको आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी मिल जाएगा आई एम रियली सॉरी जो पीछे से आवाजें आ रही है एक्चुअली घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस वजह से ये सब हो रहा है मैं शाम को वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि Uh, मुझे लगा था कि शायद शोर नहीं होगा लेकिन पता नहीं क्यों अब ज्यादा शोर शुरू हो गया है बस फाइनली आई एम एंडिंग दिस वीडियो सो बायो कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी एंड uh, मैं अपने नोट्स सेल कर रही हूँ जैसे आप सबको पता है अगर आपको चाहिए होंगे तो डू डी एमए और इंस्टाग्राम मैंने काफी बच्चों को सेल कर दिए हैं जिन बच्चों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था पेमेंट करी थी तो मैंने उनको सेल कर भी दिए हैं अगर आप भी चाहते हो तो आप ये नोट्स ले सकते हो अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है आप वो डेमो वीडियो चेक कर सकते हो अगर ठीक लगे तो आप ले सकते हो अगर ना ठीक लगे तो आप खुद भी बना सकते हो बिकॉज इट्स ऑल योर चॉइस सोस वज कोई भी वीडियो इंस्ट्राम पर डी करने का कमेंट सेक्शन में, में मुझसे पूछ लेना तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं गुड बाय